अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरसलान शाहिर एंड दिस इज़ लेक्चर 17 फॉर क्लास 4 एंड सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। टुडेज़ लेक्चर इज़ बेस्ड अपॉन एक्सरसाइज 4 ऑफ यूनिट नंबर 02 विच इज़ एट पेज नंबर 27 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो जो एक्सरसाइज 4 है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। राइट ट्रू आर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो है क्वेश्चन ए से लेके जे तक यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं कुछ, इनको हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जो टू इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो टू है ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है, इवनली डिवाइड कर लेता है 18 को, इसलिए ये जो टू है इसका फैक्टर होगा। अब ये देखें कि 18 का फैक्टर होता है अगर टू, तो इसको डिटर्मन करने के लिए करते हैं कि 18 को अंदर रखते हैं, टू से डिवाइड करते हैं। अब जब टू को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 18, 9 × 2 = 18। तो लेफ्ट आउट रिमाइंडर जो होता है ये रह जाता है 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो इसका मतलब कि लेट्स सपोज 18 था, तो ये जो दूसरा नंबर है 2 इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 2 जो होगा वो 18 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 29। अब जब हम इसको करते हैं 29 को जो है हम एज अ डिविडेंड लेते हैं, 3 को एज अ डिवाइजर लेते हैं। तो जब हम 29 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो जब 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है 9 × 3 = 27 आता है, ठीक है, 9 × 3 = 27। अब जब 29 में से 27 को माइनस करो तो रिमाइंडर रह जाता है 2। अब जो रिमाइंडर है ये 2 है, ठीक है, इसलिए जो 3 है ये 29 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तो 3 जो है ये फैक्टर होना था 29 का। यहाँ पर मेरा 2 आ गया है, इट्स मीन दैट 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 29, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है आपकी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब देखें 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30, ठीक है, ये ट्रू है। ये किस तरह से ट्रू है कि जब हमने 5 के जो रूल्स पढ़े थे उसका ये था कि यूनिट पोजिशन पर अगर 0 आ जाए तो इट्स मीन के ये नंबर जो होगा ये डिविजिबल होगा 5 से। तो सिंपल, चूंकि हमें पता चल गया कि ये डिविजिबल है 5 से, तो इट्स मीन के 5 इज़ अ रूट फैक्टर ऑफ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन डी इज़ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है, हर नंबर जो है वो 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42, तो ये भी ठीक है क्योंकि जब हम 42 को 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 रह जाता है, तो रिमाइंडर 0 रह जाता है, इट्स मीन कि 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 42। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एफ जी एच आई जे, इनको भी आपने खुद से करना है, ठीक है। जिस तरह से एफ क्वेश्चन भी ट्रू है, जे जी भी ट्रू है, एच ट्रू है, आई ट्रू है, जे ट्रू है, लेकिन आपने ये नहीं इसमें देखना कि ठीक है ट्रू है तो इट्स ट्रू। आपने देखना है कि रीज़न क्या है कि ये ट्रू है या क्यों नहीं है। जिस तरह से ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन जी इसमें 50 लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा था यूनिट पोजिशन पर अगर 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, इट्स मीन कि 50 से जो 10 है ये, या 50 जो है ये 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अपने आपने सब रूल्स को अप्लाई करना है, यहाँ पे टेबल्स को अप्लाई करना है और देखना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू कैसे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4 तक है। इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। बेस्ट ऑफ लक।